नमस्कार, मैं रोशन और आप देख रहे हैं जेड न्यूज डिजिटल मीडिया। जब सियासत का दौर ऐसा दौर होता है कि सब कुछ बदल जाते हैं, विचार बदल जाते हैं, पार्टी बदल जाती है, सियासत बदल जाते हैं, आम बोलचाल की भाषा में कहूं तो राजनीतिक किस्सा और उठापटक सब बदल जाते हैं। मैं बात आजमगढ़ से कर रहा हूं। चार पार्टियों के प्रमुख का नाम लूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और फिर भाजपा सुप्रीमो मायावती। ये चार लोग थे, चारों की पार्टियों का दौरा कर चुके एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है रमाकांत यादव। रमाकांत यादव आजमगढ़ के पूर्व सांसद रह चुके हैं, चार बार विधायक और चार बार सांसद रहे हैं। 1985 में पहली बार वो निर्दलीय विधायक चुने गए थे, उसके बाद कई पार्टियों का दौरा किया उन्होंने। दौरा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अलग अलग पार्टी में जब जब सीट मिली तब तब सत्ता पक्ष में जाने का प्रयास किया। आजमगढ़ में 2019 में जब निरहुआ को उतार दिया गया तो उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस के दामन के बाद भी वो सीट से जीत नहीं पाए। उससे पहले भी 2014 में भाजपा का जब दामन थामा था उस समय भी उन्होंने आजमगढ़ से चुनाव लड़ा था, परंतु मुलायम सिंह के आगे वो टिक नहीं पाए, वो 30,000 वोटों से हार भी गए थे। परंतु एक किस्सा बता देता हूँ रमाकांत यादव के बारे में। 2009 में जब उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ा था तो ये कहा था, मैं क्या, मेरी लाश की परछाई भी समाजवादी पार्टी में नहीं जाएगी। परंतु अब तक बुगाहट तो यह है कि आज के दिन मतलब 6 तारीख को अखिलेश यादव के सामने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस से उनको 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस में आए थे उसके चुनाव में, परंतु जब कांग्रेस में चुनाव में आने के बाद भी टिकट मिली और हार गए तो अब उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। इसमें कई प्रक्रिया भी आ रही है। कई बड़े पत्रकार ये और बड़े पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि अब उनके राजनीतिक करियर चौपट हो रहा है, इसलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन फिर से थाम लिया है। एक बात सामने जरूर आएगी, क्या रमाकांत यादव ऐसे हैं जो सत्ता पक्ष के लिए कहीं भी जा सकते हैं, अपने विचारधाराओं को तोड़ सकते हैं? 2019 के चुनाव में उन्होंने कहा था पार्टी गठबंधन कर ले या कुछ भी कर ले तो वोट तो अखिलेश यादव को ही पड़ेगा क्योंकि वो एक नेता है यूपी के, परंतु वहां पे तो योगी सरकार आ गई। अब ये देखना होगा रमाकांत यादव समाजवादी पार्टी में जाकर फिर कब विचारधाराएं बदलते हैं, कब कौन से पार्टी का दामन छोड़ते हैं। फिर से एक बात कहूंगा कि ये जो नेता होते हैं ना, ये किसी के सगे नहीं होते। और ये बात हंस के इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कब आपके पार्टी का आइकन चेंज हो जाए, कब घर का लोगो चेंज हो जाए, कब गाड़ी के आगे सपा की जगह भाजपा आ जाए या फिर बीजेपी की जगह कांग्रेस आ जाए। ये जुड़ी थी रमाकांत से जुड़ी एक छोटी सी अपडेट। अब देखना होगा सपा को कितना वो साइकिल चला पाते हैं और साइकिल कितने तेज यूपी में दौड़ पाती है। ये थी जुड़ी अपडेट आपके सामने जो मैं लेके आया। इस वीडियो को शूट करने के दौरान कैमरे के पीछे नंदन भैया थे और मैं रोशन कुमार। आप देख रहे हैं अगर फेसबुक पे तो पेज को लाइक करिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। भैया आप तो वेबसाइट भी लॉन्च हो गई है, वेबसाइट पे जाइएगा, दिन भर ताज़ा अपडेट पाइएगा। राजनीतिक उठापटक से लेके क्रिकेट का स्कोर हो या मौसम का जोर, हर चीज़ आपको दिया जाएगा समय के साथ। धन्यवाद।